देख रहे हो आप लोग कुछ इस तरह से, जस्ट मशीन के नीचे कीजिए हाथ और लिक्विड आपके हाथों में, और अपने हैंड कर लीजिए आप अच्छे से वॉश। तो ये है प्रोडक्ट आज जो अनबॉक्स करने वाले हैं। देखो पूरी अनबॉक्सिंग। इस तरह के पैकेज में आता है ये डेटॉल का नो टच प्रोडक्ट, और नो टच प्रोडक्ट का मतलब है इसके अंदर आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब भाई पता नहीं लगाना पड़ेगा कि नहीं, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो बॉक्स की, अगर आप इसको रीड करना चाहें तो इसके ऊपर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, वो आसानी से आप रीड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप चाहें तो आसानी से कर सकते हैं इनको चेकआउट। अभी जब वो ओपन करते हैं बॉक्स को, मेन को, तो ये मेन यूनिट जो वो अंदर की तरफ है इसके, और सिंपल स्लीक दिया गया है पैकेज में, कोई खास घमासान नहीं किया गया। देखिए सबसे पहले सामने ये रखा हुआ मिल जाता है एक, ये डेटॉल का जो वो, वैसे तो ये ऐसे रखा जाता है सीधा, लेकिन ये डलता उसके अंदर उल्टा करके है। और यहाँ पर जो ये आपके साथ में एक डिवाइस मिल जाती है इसके साथ में, और कुछ भी नहीं होता है। देखिए ये डिवाइस कुछ इस तरह की है, देखिए इसके नीचे रखने का जो वो काफ़ी छोटा है, थोड़ा इसके अंदर हैवी भी लग रहा है, शायद कुछ मिट्टी वगैरह कुछ मटेरियल डाला हुआ है शायद, क्योंकि हैवी बनाना इसको ज़रूरी ताकि स्टेबल रहे, वरना गिर सकता है। देखिए मैंने आज जो वो कॉम्बिनेशन वाइट वाइट कर दिया है। तो इस तरह का है अंदर की तरफ। यहाँ पर एक नोजल का ऑप्शन है, इसके अंदर दो होल्डर हैं साइड में, और उसके अंदर कुछ खास मेरे को नहीं दिखा यहाँ पर। यहाँ पर जो वो इस तरफ ये सेंसिंग आपकी जो वो टूटी लगी हुई है इसकी, यहाँ से सीधा गिरता है लिक्विड, और यहाँ पर सेंसर है ऊपर की तरफ। ये जो सेंसर दिख रहा है इसको जैसे ही यहाँ पर हाथ दिखेगा तो ये मटेरियल डालता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है ये स्विच। आपको इसको ऑन करना है तो इस तरफ और ऑफ करना है तो इस तरफ, यानी आप इसको कहीं पर ले जा रहे हैं या कहीं इसको रखा है यूज़ नहीं करना है तो आप ऑफ कर सकते हैं, वरना आप इसको ऑन पे रखिएगा। इस तरह का इसका ऑप्शन है। अभी इसकी बैटरी कैसे निकलेगी मेरे को देखने वाली बात रहती है, कैसे निकलती है। ओह ये यहाँ पर जो इस तरह से ये बैटरी इसकी रिमूव हो जाती है, बैटरी कुछ इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है, ये वाटरप्रूफिंग के लिए यहाँ पर रबर पैड लगाई गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप डबल बैटरीज लगी हुई है ये आपके सामने। ये भी मेड इन चाइना ही है, इसके ऊपर लिखा गया है बाकायदा कि ये है मेड इन चाइना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली। और यहाँ पर जो ये बैटरीज है वो आपको देखने को मिल जाती है, ये किसी खास कंपनी की शायद नहीं है, कौन सी कंपनी की देखूँ क्या, तो मेरे को जो वो दोस्तों यहाँ पर कोई भी कंपनी इसके ऊपर नहीं मिली, डायरेक्ट जो वो ये आपके नॉर्मल सेल जो वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, डबल ए डबल ए बैटरी जो आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से लगी हुई है, ये आपको जो यहाँ से जो वो हटा देना है, तुरंत हटाते ही जो वो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। तो करते हैं इसको स्टार्ट और आगे देखते हैं क्या सिस्टम इसका। यहाँ पर जो ये ऑन ऑफ वाला बाहर से जो बटन वर्क करता है वो इसके साथ लिंक्ड होता है यहाँ पर, और यहाँ से वर्क करता है। ये देखिए इसके अंदर ऑप्शन देखिए आप, ये हम लोग इस तरफ करते हैं इसके अंदर वाला, देखा आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर वो किल्ली सी डल जाती है, फिर उसके बाद ये इस तरह से वर्क करता है। देखिए अंदर की तरफ से खिसक गया ना उधर, ये देखो काफ़ी मैकेनिकल इसके अंदर जो वो मैकेनिज्म बनाया है इसको इधर उधर करने के लिए। तो इन फ्यूचर हो सकता है ये ख़राब भी हो जाए आपका, तो गड़बड़ हो सकती है आपके लिए। ये ऑन पे है तो ऑन पे, तो फटाफट इसको सेटअप करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे सेटअप करना है इसको और क्या क्या करना है। तो जनाब ये डिवाइस जो वो इसके अंदर ये वाला जो मैकेनिज्म है इसके अंदर लग जाता है, और जो हमारे जो सेल के साथ जो स्टिकर लगा हुआ था ये ऐसा, वो हमने खींच करके निकाल दिया और सेल को अच्छे से लगा दिया, उसके बाद इस कंपार्टमेंट को अच्छे से फिट कर दिया है। ये ध्यान रखना आपको ये ऑन ऑफ वाला सिस्टम, और ये लीजिए इसने तो लिक्विड फेंकना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई। ओके ये लो, ये तो मैंने तो लिक्विड फेंकना ही शुरू कर दिया। अबे भाई सारा भर दिया भाई इसने। तो ये डिवाइस जनाब ठीक है, इसने मेरा हाथ पहले ही जो वो भर दिया था। अब आप देख सकते हैं इसने यहाँ से इसका नोजल है वो वर्क करता है, जितनी देर आप यहाँ पर सेंसर के सामने रखेंगे हाथ तो काम करेगा ये, ठीक है काइंड ऑफ अच्छा वर्क करता है। कई बार ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है आपका हाथ यहाँ पर आया, थोड़ा सा इसके पास लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब अगर आप हाथ लगा देते हैं ना तो नो टच नहीं रहता ये, इसको नो टच नहीं बोलते, ठीक है आपको वो दबाना नहीं पड़ रहा वो,
अगर आप ज़्यादा ही पैसे वाले हो तो परचेज कर सकते हो। लिंक 1000 रुपये का जो लगभग मिल जाएगा, ये आपको 1000 से नीचे का मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कुछ इस तरह से वर्क करता है, ये काफ़ी फ्लॉलेसली वर्क करता है, अच्छा करता है वर्क। यहाँ से नीचे की तरफ सेल डालने के बाद ऑन ऑफ का बटन है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, चाहे तब कहीं पर ले जा रहे हैं या इसको वॉश कर रहे हैं तब इसको ऑफ कर लेते हैं। कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म है इसका। मेरे को प्रोडक्ट काइंड ऑफ ठीक लगा, प्राइस इसका थोड़ा ज़्यादा है मेरे भाई, और मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी मोटी बात ये है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि ऐसी ही अनबॉक्सिंग हम लोग और करते रहें।